गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का अष्टम पाठ सुकित सबक है। सो डिस्क्रिप्शन लिंक में है इस सुकित सबक पाठ का लिखा हुआ मीनिंग, सो आप जाके देख सकते हो, वो लिंक है। सो चलो शुरू करते हैं। उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से ही काम सफल होता है, केवल इच्छाएं करने से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं प्रवेश कर देता, जैसे कि हमें परिश्रम से ही होता है। जैसे इंग्लिश में कहने से हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, शेर के मुंह में चूहा खुद थोड़ी ना चले जाता है। बिना परिश्रम से शेर को लाभ थोड़ी ना हो जाता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं हुआ लाया गया, तो जो पाठ हमने जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ। अगर हमने बचपन में कह सकते हैं कि या अभी अभी आप पढ़ रहे हैं, इस पाठ को पढ़ के अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो उसे पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ। ये है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सब मनुष्य प्रिय वचन कह जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। गचन पिपीलिकाओं यदि योजनानं शतान्यपि अगच्छन् वेन्दनयोस्पि पद्मेकं न गच्छति। चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांग जाती है, किंतु ना चलता हुए गए कभी भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। का कह कृष्ण पिकह कृष्ण का भेद पिपिल का हूँ, बसंत समय प्राप्ते का कह पिकह पिकह। कोवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोए और कोयल में क्या अंतर है। बसंत काल में आने पर कोवा कोवा ही और कोयल ही, ये बात स्पष्ट हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।